हमारे न्यूज में बैठी बिस्कन्याएं, ये देखिए भारत की कूटनीति से हमारे सुरक्षा सलाहकार शेख हसीना को सुरक्षित निकाल दिए। वाह, अगर यही चीज इजराइल में होता ना तो जो 3 स्टूडेंट थे ना, किसी को कोनो बीमारी हो जाता, कोनो के को ब्रेन हेमरेज हुआ रहता, पता नहीं कैसे। प्रधानमंत्री इतनी बेतुकी बात भाषा बोल सकता है जो ये बताता है कि उसकी राजनीति में यह हिस्सा है कि भारत की विरोध करके चुनाव जीतो। इंडियन इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि शेख हसीना की सरकार उखाड़ के फेंकने वाले 3 विद्यार्थियों का समूह इतना ज्यादा होगा। बात बांग्लादेश में है और किसमें है, बंगाल। अभी बांग्लादेश तो कंप्लीट अस्थिर हो गया, समझ में आ गया, कंप्लीट फेल्योर इंडियन इंटेलिजेंस का है, कंप्लीट फेल्योर है इंडियन इंटेलिजेंस का। इंडियन इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि शेख हसीना की सरकार उखाड़ के फेंकने वाले 3 विद्यार्थियों का समूह इतना ज्यादा होगा। इंडियन इंटेलिजेंस को पता रहता 3 विद्यार्थी का घर द्वार उठा के योगी जी को भेज देता, मार उठा के बुलडोजर ले चढ़ा के सब जना रद्द कर देते, नहीं कर देते। फेल्योर है कि नहीं है? अगर यही चीज इजराइल में होता ना तो जो 3 स्टूडेंट थे ना, किसी को कोनो बीमारी हो जाता, कोनो के को ब्रेन हेमरेज हुआ रहता, पता नहीं कैसे, कोनो का एक्सीडेंट हो जाता, पता नहीं कैसे, कोनो मिलिए नहीं रहा है, दह गया, पता नहीं कैसे हो गया। इंटेलिजेंस फेल्योर है। हम लोग लीपापति कर दिए और अगले 5 साल के लिए देखिएगा, इधर से आतंकवादी आएंगे सर, पाकिस्तान कहेगा हमारे यहाँ आतंकवाद की समस्या है, कभी भाग गया होगा मार दीजिए आप यही ना कहता है पाकिस्तान। अब इधर बांग्लादेश से आएगा, इधर पाकिस्तान से आएगा, हम लोग लीपापोती करेंगे। हमारे न्यूज में बैठी बिस्कन्याएं, ये देखिए भारत की कूटनीति से हमारे सुरक्षा सलाहकार शेख हसीना को सुरक्षित निकाल दिए। वाह, माने हम उतरने के लिए एयरपोर्ट दे दिए तो इसमें छाती चौड़ा कर रहे हैं। माने किसी का लड़ा के एक्सीडेंट कर दो, बाद में कहो देखो बंडेज हम ही कराए, पट्टी हम ही मरवाए, देख रहे हो, कंप्लीट फेल्योर है हमारा। म्यांमार अस्थिर हो गया, श्रीलंका अस्थिर हो गया, तालिबान का अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान से उम्मीद ही छोड़ दो। नेपाल में भी देखते ही है, अगर ओली आ गए भारत पे गोली चलाने लगी है अगर नेपाल में ओली की सरकार आ गई पूरी तरह भारत विरोधी हो जाएंगे। ओली ने क्या बोला था, राम जी का जन्म नेपाल में हुआ। अरे भाई साहब इतना काहे बोल रहे हो झूठ, राम जी नेपाल के थे जी, बोला था वो आदमी प्रधानमंत्री है। और क्या बोले थे कि भारतीय कोरोना चाइनीज कोरोना से ज्यादा खतरनाक, ना हम लोग का रिश्तेदार है कोरोना, हम लोग का रिश्तेदार है यहाँ। प्रधानमंत्री इतनी बेतुकी बात भाषा बोल सकता है जो ये बताता है कि उसकी राजनीति में यह हिस्सा है कि भारत की विरोध करके चुनाव जीतो, और यह सबसे खराब चीज हो जाता है। तो क्या कीजिएगा आप, आगे बढ़े।